बिल्डिंग वहाँ से बाहर है, जैसे ताश के पत्ते नहीं होते। मैंने कम से कम लाखों लाश लाशें दी। मारने हैं तो इधर ही मारे। Right now we are standing just behind the Kedarnath temple. We are just about to start the main Kedarnath trek, the 16-kilometer long Kedarnath trek. But before we can start that, we also had to go through a really long queue. अभिनव, ये जो लंबी लाइन थी वो किस बारे में थी? एंथनी, बेसिकली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, उन्हें इस तरह के कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि सरकार के पास जानकारी रह सके कि कौन कौन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी जी, और आगे का रास्ता कैसा है अभिनव, थोड़ा इस बारे में? आगे पूरा ट्रैक है, हमें पैदल जाना होगा और ये करीब 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक। कितना टाइम लगेगा ट्रैक में, क्या लग रहा है? मैं तो थोड़ा बहुत फिट हूँ, मैं तो कर लूंगा। आपके बारे में क्या है? मैं भी फिट ही हूँ, थोड़ा सा गला मेरा प्रॉब्लम है, बट गले से तो। हम दोनों के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 4 किलोमीटर का सफर आसान था, लेकिन मन ही मन में हमें पता था कि आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। हमें तो पता था कि केदारनाथ के लिए यू कैन ईदर हायर अ खच्चर, घोड़ा और पोनी और जो भी बोलते हैं उसे। बट व्हेन वी रीच गौरीकुंड, वी वर शॉक्ड टू सी हाउ पिलग्रिम्स वर बीइंग कैरिड इन बास्केट्स अटैच्ड टू द बैक्स ऑफ यंग मेन। जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते चले गए, आपदा से जुड़ी कहानियां और दर्दनाक होती चली गई। सत्रह को जो है सुबह 6 बजे के लगभग केदारनाथ के पीछे से हमने नदी को इस प्रकार से देखा है कि ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा है। ऊपर से आ गया गुरु, ये काला ऐसे जैसे ये है ना, कोरा लग रखा है काला, ऐसे आ गया था वो। फिर हम थोड़ा भाग के ऊपर जाने, अरे 2 मिनट ही उधर से साफ हो गया, फिर उसको फट के फिर मंदिर में आया। मंदिर के पीछे से सामने मंदिर ने ऐसे फाड़ दिया उसको, 3 बार लगा मंदिर में। एक मंदिर के बीच में आ गई नदी, एक उधर से आ गई, एक इधर से आ गई, 3 हो गए। तो फिर पानी कम होते, आधा घंटे के बाद साफ हो गए, फिर यहाँ से साफ करते करते गौरीकुंड निकल गया। ऑन आवर वे वी स्टॉप बाय दिनेश का ढाबा, एंड दिनेश वॉज इन रामबारा दैट डे व्हेन फ्लैश फ्लड्स हिट द वैली। जून 2013 से पहले रामबारा काफी चहल पहल भरा इलाका हुआ करता था, लेकिन अब इसका कोई नामो निशान नहीं है। हमारे ढाबे से 100 मीटर पहले जो है रास्ता एकदम जाम हो गया था, बारिश हो रही बहुत ही ज़्यादा, पूरे होटल खचाखच भरे हुए। देखा मैं यात्री बहुत ही परेशान, पूरे रास्ते में जो रास्ता भी है पूरा पानी भरा हुआ। अब इतनी बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी। 4:30 बजे उठा, देखा फिर भी बारिश कंटिन्यू, नदी भी एकदम काली हो गई थी, एकदम बदबू टाइप की आने बैठ गई थी। वो बदबू भी बता रही थी कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन लोग कोई संभालने को तैयार नहीं, सब ढाबों में बैठे हुए। जब देखा मैं इधर से टूट रहा, उधर से टूट रहा, चारों तरफ से टूट रहा, तो दिमाग पागल टाइप का हो गया, कहाँ जाएं। जैसे ही वो होटल टूटा, उसने जो है आधे रामबाड़ा को साफ कर दिया, ऐसे लेके जैसे पत्ते होते तो पूरा साफ कर दिया। हम लोग इस वक्त रामबाड़ा में हैं, जो केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में पड़ता है। ये वही इलाका है जो आपदा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। एंथनी, इनफैक्ट अभिनव, ये पीछे का जो रॉकी टेरेन है उस पे एक मार्केट हुआ करता था, लेकिन नदी का डायरेक्शन जब लेफ्ट साइड से राइट साइड चेंज हो गया, वो पूरा मार्केट बह गया इसके साथ। तो उसके बाद हमने जो है फिर 15 अगस्त से मैंने हमें सुभाष लाल मिले, जिनकी एक दुकान हुआ करती थी। 9 दिन तक मौत से लड़ने के बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंचे। अब वो मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। मैंने कम से कम लाखों लाशें देखी,
रास्ते में देखी, इधर उधर देखी, बहुत सारी लाशें पड़ी थी। एक नेपाली मेरे बगल में था, उस पे उसके पास कम्बल थी, मैं उसके कम्बल के नीचे घुस गया क्योंकि ठंडा बहुत था। उसके कम्बल के नीचे गया, देखा मैंने उसके प्राण अस्त हो गए रात। मैं दूसरे के बगल में गया सोने के लिए, जो गर्म था उसके बगल में सोने के लिए गया। अब जब सोने के लिए गया हूँ तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया उस पर कि ये ठंडा हो गया मर गया, दूसरे के बगल में गया। और हमने कहा आज रात हमने मरना ही मरना है, क्योंकि पाँचवा दिन हो गया था हमको वहाँ। हमने कहा भूख से भी वैसे मरना है, खाने के लिए कुछ नहीं रहा। आदमी बहुत मर रहे हैं, कच्चा 30-40 आदमी तो वैसे मर गए। ललित वाज जस्ट 16 व्हेन द मंदाकिनी बिकेम अ रिवर ऑफ डेथ। टुडे एट 21 उनके पास सिर्फ अपनी फैमिली की यादें हैं। मैं एक बार धस गया था, मेरे एक बार मेरा चप्पल पीछे छूटा, मैं चप्पल लेने गया, तो जब तक मैं आगे गया होगा पता नहीं, मैं 300-400 आदमी मतलब बह गए थे। हमारे परिवार के तो 18 लोग मरे यहाँ पे। हाँ मतलब मेरा भाई था, चाचा की लड़की, मेरे दादाजी। फिर हम यहाँ से भागते भागते फिर ऊपर रास्ते गए तो हमारे साथ के 400-500 लेबर मरे हमारे साथ भी, जो बच के भाग रहे थे घर जा रहे थे वो भी लाशें रास्ते में। थोड़ी देर आगे जाते एक मरता, फिर थोड़ी देर आगे जाते एक मरता, ऐसे मरते। ये जो आपदा आई थी इससे कुछ स्मेल गंदगी भी अलग टाइप की आ रही थी, आदमी उसको हवा पड़ते ऐसे गिर जाता था। रामबाड़ा से केदारनाथ का रास्ता खड़ी चढ़ाई की तरह है। हमें ऐसे लोग भी मिले जिनकी आस्था के सामने कोई मुसीबत टिक नहीं पाई। बोलो जैसे हो, मैं पैदल ही जाऊंगा, मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, चाहे रात 12 बजे हो जाए। हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी आज सुबह हाथ टूट गया। यही पर भोले बाबा का देव घूमे मरे, लेकिन मरने है तो इधर ही मरेगा। मेरी शिव भगवान पे आस्था है और आज मैंने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग अपने पूर्ण किए हैं। कभी धूप तो कभी बादल, पहाड़ में मौसम जैसे मूड की तरह बदलता है। मैं और एंथनी करीब करीब 16 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ पहुंच चुके हैं। शुरुआत के 7-8 किलोमीटर रामबाड़ा के करीब तक हम लोगों ने ट्रैक किया, लेकिन उसके बाद एंथनी उसके बाद तो हमको पोनी हायर करनी पड़ी। जी हम दोनों ने दो पोनी हायर किए, उसके पीठ पे चढ़ के ही हम आए। नीचे जब चले गए तब तो काफ़ी क्लियर वेदर हुआ था, बट लेकिन यहाँ पे जब आए तब तो पूरा, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पूरी वैली है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। Right now we are standing just behind the Kedarnath temple. Yes, this is the place where big boulders and rocks came tumbling down from mountains above. अभी ना आप क्या जानते हैं इस बारे में बताइए। एंथनी ऊपर चोराबारी लेक है और उस समय एक बादल फटा था। ये लेक बहुत बड़ी है, इसके साथ बहुत पानी नीचे आया, जैसा आपने बताया बड़े बड़े पत्थर आए। मंदिर के पीछे एक पत्थर आके, बड़ा पत्थर आके रुक गया। इसी पत्थर की वजह से जो तेज धाराएं आ रही थी पानी की, वो दो हिस्से में बट गई, जिसकी वजह से मंदिर को कुछ नहीं हुआ और आसपास के जो किनारों से जो दो धाराएं बटी थी उसकी वजह से दुकानें और जो लोगों के घर थे वो टूट गए। वैसे अभी तो बहुत सारे लोगों ने इस पत्थर को वर्शिप भी करना शुरू कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, लोगों को लगता है कि मंदिर को बचाने और इसके पीछे इस पत्थर का बड़ा हाथ है और जो है भी, तो यही वजह है कि लोगों के लिए ये बड़ा आस्था का केंद्र। जी